जय नमस्कार। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जो कि काफ़ी वायरल हो रही है और जिसमें कहा गया है कि आमजन अड़े भुगतान पर भुगतान नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। क्रेडिट सोसाइटी में फंसे लोगों के पैसे जनता द्वारा मतदान नहीं करने का पत्र वायरल। अगर किया मतदान तो नोटा को वोट देने का पत्र में किया गया है जिक्र। तो साथियों, उपखंड पर बने उपखंड पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव अन्य चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मतदाताओं का अलग अलग अंदाज में विरोध देखने को मिल रहा है। जहां आने वाले चुनाव में मतदान नहीं करने को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है, ऐसा ही एक अनोखे विरोध का मामला रेवतर विधानसभा में देखने को मिला। जहां विधानसभा चुनाव के साथ सभी चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा और प्रचार से पहले वोटरों का अनोखा अंदाज देखने को मिला साथियों, जिसका एक हस्ताक्षर पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, यानी पहले पैसे दो फिर जाके हम वोट देंगे। उसके माध्यम से किसी पार्टी को वोट न देकर नोटा होता है जो, उसको वोट देने के लिए शपथ ली जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जनता इस बार पार्टियों के प्रत्याशी से नाराज दिख रही है, जिसका मुख्य कारण जनता का जो फंसा हुआ पैसा है, रुपए लौटाने का जो वादा बताया जा रहा है। वायरल पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि पहले सरकार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी राशि का भुगतान करना होगा। अगर जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक किसी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और अगर लेंगे भी तो नोटा का बटन दबाकर विरोध जताया जाएगा। मतलब साहब है कि सोसाइटी में फंसे रकम देने के लिए चुनावी वादे जो प्रत्याशी हर साल जनता से करते हैं, उनका विरोध भी इस बार जताया जा रहा है। क्योंकि अब जनता की करोड़ों रुपए की कमाई क्रेडिट सोसाइटी ने गबन कर ली है। दोस्तों, पत्र के साथ सांसद पटेल का भी वीडियो वायरल हो रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनता के जो रुपए फंसे हैं उसको लेकर चुनाव में मतदान न करने की शपथ के पत्र के साथ सांसद देवजी पटेल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद पटेल पीएम मोदी की सरकार में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसके भी रुपए फंसे हैं उन रुपयों का ब्याज से लौटाने का वादा, उनका पैसे लौटाने का वादा भी किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों फंसे जो रुपए हैं उनको लेकर जनता परेशान हो चुकी है। इसके लिए अब मतदान न करने व नोटा को वोट देने का मोड बना लिया है, लेकिन अब इसका नतीजा तो आने वाले चुनावों में ही देखने को मिलेगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव में फंसे रुपये को लेकर जनता फिर किस तरह से रुख बदलती है, किस तरह से उसका रुख रहता है। लुभाने वादों से अब उब चुकी है जनता, अब सिर्फ एक ही मांग सोसाइटी में फंसे पैसे लौटाए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट खबर है। अक्सर जब भी विधानसभा चुनाव व अन्य चुनाव आते हैं तो वोट देने के लिए पार्टियों की ओर से लोगों को लुभाने वादे किए जाते हैं, इसको लेकर घोषणा पत्र जारी किया जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव अन्य चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं का ना होकर जनता का क्रेडिट सोसाइटी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें फंसे रुपए लौटाने का मुद्दा बना हुआ है साथियों, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबे पैसे को वापस दिलाने के लिए सांसद देवजी पटेल ने एक कार्यक्रम के तहत लोगों के समक्ष पहुंचकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो पैसे जो आपके डूबे हैं उनको वापस दिला देंगे, जिसे अब जनता इसे वोट बटोरने की राजनीति बता रही है। तो ये थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लेटेस्ट खबर। आज के इतना ही। जय हिंद।